हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़, जो कि आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज से ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जिन लोगों को भी इस तरीके की जॉब्स की ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि सबसे पहले इसकी जो डेट है स्टार्ट होने की, वो 28 नवंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो है 2 जनवरी, और पेमेंट और फाइनल सबमिशन की जो डेट है वो भी जो है वो 2 जनवरी ही यहां पे रखी गई है। एंड यहां पे लिखा है कि लास्ट डेट ऑफ रीचिंग ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड ऑनलाइन फॉर्म बाय रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट से भी आपको अपने पूरे फॉर्म को भेजना होगा। 10 जनवरी 2023 तक पहुँच जाना चाहिए आपके पास ये इस इंस्टीट्यूट में, ओके। और बाकी आगे हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो हम फीस देख लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर न्यू कैंडिडेट्स और फॉर दोज हु हैड अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर, जिन लोगों ने इससे पहले जो इनका एडवर्टीजमेंट 20/3/2018 को निकला था, अगर उसमें अप्लाई किया था तो उन लोगों को यहाँ पर फीस कुछ कम देनी होगी। सबसे पहले हम फॉर न्यू कैंडिडेट्स के लिए देख लेते हैं, जिसमें कि अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी के लिए 1500 और टोटल अमाउंट यहाँ पे 1550 है। यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं 50 रुपीज़ का, तो टोटल 1550 रुपये। SC ST के लिए टोटल 800 रुपये और PWD यानी कि दिव्यांग कैटेगरी के लिए सिर्फ 50 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है। एंड जिन्होंने लास्ट एडवर्टीजमेंट में अप्लाई किया था उनके लिए यहाँ पर EWS अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के लिए 550, SC ST के लिए 300 और दिव्यांग कैटेगरी के लिए 50 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। तो यहाँ पर अब हम आपको बताते हैं कि कंप्लीट प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल सेल्फ अटेस्टेड इंक्लोजर्स मस्ट बी सेंड बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ओनली। तो आपको सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से ही आपको अपने डॉक्यूमेंट और आपका फॉर्म कंप्लीट आपको जो है वो सेंड करना है, सेल्फ अटेस्ट करके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको 10 जनवरी 2023 तक ये वहाँ पहुँच जाने चाहिए। और जो एड्रेस है जहाँ पर आपको भेजना है, तो यहाँ पर आपको सेंड करना होगा, ये इसका एड्रेस है, ये आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इस एड्रेस को आप नोट कर लीजिए, यहीं पर आपको बाय पोस्ट भेजना होगा। अब आगे बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ जाना होगा। फॉर्म भरने के लिए आप देख सकते हैं कि ये इनकी वेबसाइट से इन पर आपको विजिट करना होगा। अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से फॉर्म आपको फिल करना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PG डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपके पास UGC नेट या फिर JRF आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अगर आपके पास PhD है, अगर आपके पास UGC नेट वगैरह नहीं है, अगर आपने PhD किया हुआ है अपने उस सब्जेक्ट में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें कितनी जो चीज़ें हैं, लिस्ट ऑफ इंक्लोजर्स का आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि जो भी वैकेंसीज़ आती हैं उनका नोटिफिकेशन मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारी और भी वैकेंसीज़ जिसमें कि आपका कॉलेज लाइब्रेरियन की भी एक पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर 132 पोस्ट हैं। दोनों का लेवल सेम है, सेम सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में टोटल 9 वैकेंसी हैं, कॉमर्स में 16, कंप्यूटर साइंस में 7, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में यहाँ पे 4, इकोनॉमिक्स में 6, एजुकेशन में 5, इंग्लिश में 7, ज्योग्राफी में 6, हिंदी में 7, लॉ में 21, मैथमेटिक्स में 4, मेडिकल हिस्ट्री में 4, म्यूजिक में 1, म्यूजिक तबला में 2, म्यूजिक वोकल में 2, पेंटिंग में 2, फिलोसफी में भी 2, फिजिकल एजुकेशन में 2 वैकेंसी, फिजिक्स में 7 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, और पॉलिटिकल साइंस में 5, साइकोलॉजी में 5, संस्कृत में 3, और स्टैटिस्टिक्स में भी 3, और उर्दू में 2 वैकेंसीज हैं। और बाकी आपके सामने यहाँ पे जो भी कैटेगरी हैं, जैसे कि मान लीजिए VH यानी कि ये ब्लाइंड एंड लो विजन वालों के लिए जो है यहाँ पे जो है अलग से कॉलम बनाया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में इनके लिए वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पर रिमार्क वाले कॉलम में देख सकते हैं। और आगे मैं आपको बताऊँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, मैं आपको सीधे उस वेबसाइट पर ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अप्लाई के लिए। हम इसकी ये वेबसाइट है, इस पर विज़िट करेंगे। विज़िट करते ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, ये आप देख सकते हैं, टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कॉलेज लाइब्रेरियन क्लिक हियर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले
आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आप ईमेल डालेंगे अपना, दो बार ईमेल डाल के कन्फर्म करेंगे, देन एक आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। याद रखिएगा आपके आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पे नहीं डालना होता है, आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो कम से कम मिनिमम 6 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। आप पासवर्ड बनाएंगे, देन आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और ये वेरिफिकेशन जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके पास SMS और मेल आएगा। अगर उसमें किसी तरीके का कोई वेरिफिकेशन लिंक दिया होता है तो आप उसको पहले वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई होने के बाद ही आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा ही पोर्टल है और आपको सेम वैसे ही इसमें फॉर्म भरने का तरीका दिया गया है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने कई वीडियोस दिल्ली यूनिवर्सिटी के बनाए हुए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं, वरना कुछ भी ऐसा इसमें टफ नहीं है जो कि आपको समझने में दिक्कत हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सबसे पहले रजिस्टर करें, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसमें तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर ओपन है सब कुछ, आप वहाँ पर चैट कर सकते हैं, चाहे तो आप यूट्यूब वीडियोस में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है और ये आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको जा करके डाउनलोड करके देख सकते हैं, नहीं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा करके जो कि है www.adcau.in यहाँ पर जाकर के भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। 2 जनवरी लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और 10 जनवरी तक आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँच जाने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स सभी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली वैकेंसी या फिर PhD एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।